बिलासपुर में कोलमैन लॉजिस्टिक इंडिया लिमिटेड ने जन सुनवाई का आयोजन किया है, जिसकी सूचना प्रभावित पंचायतों और ग्रामवासियों को न देने के चलते ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। गौरतलब है कि जन सुनवाई में सरकार के वन और जलवायु परिवर्तन के नियम का उल्लंघन किया गया है, जिसको लेकर ग्रामवासियों ने विरोध जताया। इस दौरान जिला पंचायत सभापति अंकित गोरा ने अन्य समाज सेवियों के साथ जन सुनवाई का विरोध किया। वहीं विरोध को देखते हुए अतिरिक्त कलेक्टर ने जन सुनवाई को निरस्त कर दिया है। एनओसी दिया गया था कि अभी अपग्रेड करने के लिए यहाँ की जन सुनवाई रखा गया था, जिसका किसी गांव आसपास पब्लिश नहीं किया गया। सबसे बड़ी विडम्बना की बात यह है कि यहाँ से 50 मीटर में स्कूल है, यहाँ से 100 मीटर में हायर सेकेंडरी स्कूल सिमरताल है, पूरा सघन बस्ती है, आसपास तालाब है, कृषि भूमि है, जिसका हाल बेहाल है। और अगर इसको अपग्रेड कर दिया जाता है तो आज लोग मर जाएंगे यहाँ पर। गाँव के द्वारा और जनप्रतिनिधि द्वारा यहाँ पर जमकर विरोध किया गया है। लोग अपने खुद से घर से निकल के आके यहाँ पर विरोध दर्ज किया है। उनके द्वारा यहाँ पे कोल वाशरी बनाए जाने के लिए आज जन सुनवाई रखी गई थी और कोल क्रशर की भी क्षमता बढ़ाई जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों से और किसानों से जब विषय में चर्चा हुई तो लगातार उन्होंने बताया कि कोल क्रशर से ही जब इतनी परेशानी है तो कोल वाशरी के खुल जाने से तो इस क्षेत्र का राष्ट्रीय दुर्भाग्य होगा। इसलिए हम सब ने कल आपस में चर्चा की और आज संघ विरोध में ग्रामवासियों के साथ उपस्थित थे और लगभग एक घंटे तक लगातार ये जन सुनवाई में हमने अपना विरोध दर्ज किया और अंत में अतिरिक्त कलेक्टर थे उनको जन सुनवाई स्थगित करना पड़ा।